अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और कमटासिया स्टूडियो के पार्ट फोर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह अपनी वीडियो में एडिटिंग करते हैं और बाकी सब टूल्स के बारे में जो मैंने आपको कहा था उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये मैंने एक वीडियो खोली है, मैं इसे रिमूव करके आपको मैं दोबारा से इंसर्ट करने का बताता हूँ। देखिए, यहाँ से ओपन में जाएं, फाइल में जाएं, यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट, इसमें क्लिक करें और सेम चेंजेस में को यस, और ये देखें ये का आपका जहाँ पर प्रोजेक्ट पड़ा है वो वहाँ से उठा लें। मेरा डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है तो सॉरी, ये प्रोजेक्ट जो है ये AVI में नहीं उठा रहा, हम इसे इंपोर्ट मीडिया में करके देख लेते हैं। ये देखें इंपोर्ट मीडिया में, ये देखें ये आ गया क्लिप हमारा AVI का। इसे मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। अगर आपने AVI की जगह इसकी अपनी जो फॉर्मेट फाइल होती है अगर उसमें आपने सेव किया हो तो वो यहाँ से फाइल में जाके ओपन से भी कर लेगा। तो उसके बाद जब आप ये ओपन कर लें तो उसके बाद आपने करना यह है कि इस वीडियो को ड्रैग करते हुए माउस के ज़रिए पकड़ के इधर ला के नीचे पेस्ट कर देना। फैंक में यहाँ से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, आप इसे जिस तरह रखना चाहें क्लिक कर दें। उसके बाद अब ये देखें, ये लाइब्रेरी है इसकी, लाइब्रेरी में मुख्तलिफ साउंड्स हैं और ये इफ़ेक्ट्स हैं। मैं अब एक इफ़ेक्ट देखता हूँ, ये देखें अब ये इफ़ेक्ट चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अपनी स्टार्टिंग वीडियो में डाल लूँ कि जब मेरी वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले ये क्लिप चले और यहाँ पर मैं टाइटल की जगह अपना कोई नाम या कुछ लिख लूँ। तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ से शुरू में फेंकना है या लास्ट में फेंकना है, शुरू में फेंकना है तो शुरू में ला के फेंकना है। और ये देखें ये शुरू में आ चुका है। अब मैं अपनी वीडियो को प्ले करूँगा तो सबसे पहले मेरा जो है ये देखें ये वीडियो चलेगी। उसके बाद ये अब मैंने इसमें एंटर टाइटल हेयर की जगह क्या करना है, इसकी जगह मैं डबल क्लिक करूँगा एंटर टाइटल हेयर की जगह, और ये देखें ये साइड पर एक पट्टी आ गई। तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ से बैक करता हूँ वहाँ से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ IT in Urdu। तो IT in Urdu मैंने लिख दिया। अब मैं टेक्स्ट का ये फॉर्मेटिंग तो आम कर सकते हैं आप वैसे, तो आप इसे आप बोल्ड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, जिस तरह आप चाहें। अब मैं इसे ना बोल्ड करता हूँ ना टैली करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर जो आप करें वो व्यू हो रहा है। अब मैं इसका कलर कहता हूँ जी मैं रेड कर दूँ तो ये देखें रेड हो रहा है। और जिस तरह का आप कलर चाहें, इस बैकग्राउंड के हिसाब से चाहें, तो ये देखें मैंने इसको बैकग्राउंड के हिसाब से लगा दिया तो इसके हिसाब से लग गया। और इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या। ये देखें अब आप चाहते हैं कि जो अल्फाज सेंटर में ना आए, फर्स्ट ये देखें फर्स्ट में है तो ये देखें ये इधर चला गया, लेकिन ये ज़्यादातर सेंटर में यूज़ होता है। और इसके बाद ये उसकी सेटिंग है कि ये ऊपर आए सेंटर में या नीचे आए। अब मैं इसे कर दूंगा तो ये ऊपर देखें चला गया, मैं नीचे कर दूंगा तो ये बिल्कुल नीचे आ गया। मैं इसे सेंटर में करूँगा तो वो सेंटर में हो जाएगा, सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसे छोटा कर लें, आप इसे यहाँ से बड़ा कर लें, यहाँ आप जितना बड़ा भी चाहें इसे यहाँ से कर सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, अब मैं इसका स्टाइल दे देता हूँ कोई फैंसी सा स्टाइल देखता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं और ये सारे स्टाइल पहले से मौजूद हैं कमटासिया में, मैंने खुद से कोई ऐड नहीं किया। तो अगर आप इसमें चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, उसका भी मैं इंशाल्लाह ताला तरीका बताऊंगा। लेकिन इसमें ही काफ़ी ज़्यादा है कि इन्हें यूज़ करते करते काफ़ी देर हो जाए, तो कोई भी आप ऐड कर दें, मैं ये ऐड कर देता हूँ। तो इसके बाद इसमें मैं इसे जस्ट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से शुरू में करता हूँ और यहाँ से प्ले करता हूँ। देखिएगा एंटर टाइटल की जगह देखिए IT in Urdu आ गया, अब एंडिंग इन उर्दू आ गया। अब मैं चाहूँ इसमें से साउंड चेंज करना चाहूँ तो मैं साउंड भी चेंज कर सकता हूँ। साउंड में ये है कि आप फिर लाइब्रेरी में जाएँ, आगे मेरी वीडियो चल पड़ी
इसे साउंड में से कोई आप क्लिक करें, आपको ये देखें ये साउंड है। अब मैं चाहता हूँ कि ये साउंड मुझे अच्छा लगे, तो मैं ये कैसे ऐड करूँगा, तो मैं इस वाले साउंड पर जाता हूँ। इसे ये देखें, इस पर जब मैंने अपना माउस का राइट क्लिक किया तो उसमें एक पट्टी आ गई रिमूव फ्रॉम टाइम लाइन। इसे मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ये गायब हो गया। मैं इसकी जगह इसे ड्रैग करते हुए लाकर इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए ये काफ़ी लंबा, ये मतलब कि बहुत एक लंबा सॉन्ग है। तो मुझे अब जितना चाहिए मैं इसे साथ लगाता हूँ, और अब मैं यहाँ से इसे पकड़ के तो कर दूँ इतना, तो इसमें अब देखें होगा क्या। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो वैसे आपको मैं एक टूल का बता देता हूँ, उस टूल का भी आपको यूज़ पता चल जाएगा उसके ज़रिए। ये देखिए अब हमें इतना जाके सेंटर में जाके यहाँ पर इसका जाके हमें इतना साउंड आगे नहीं चाहिए, क्योंकि आगे हमारी आवाज़ है। तो मैं यहाँ से मैं इसे पॉज करूँगा, और ये देखें ये जो मैंने आपको बताया था स्प्लिट का बटन, ये इसलिए यूज़ होता है कि इस पर आप जाइए, देखिए नीचे आ भी गया है स्पेक्ट के, इस पर आप क्लिक करें तो इसने जितनी इसके नीचे मतलब के वीडियोस वगैरह होंगी या टाइम साउंड की टाइम लाइन होंगी उसे वो दो हिस्सों में कन्वर्ट डिवाइड कर देगा। ये देखें अब ये दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा ये है, मैं आपको आज ये देखें एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। अब मैं इसे रिमूव कर दूँगा यहाँ से वैसे जो मैंने आपको बताया, और ये देखें ये इतना हो गया। अब इसके बाद ये हमारी जो ये ऑप्शन है, तो ये कॉल आउट्स, इसे क्या करते हैं हम, इसका मैं बताता हूँ। ये देखें इसमें अगर मैं चाहूँ कि मैंने यहाँ पर अब ये चीज़ भी दी है, मैं चाहूँ कि मैंने यहाँ पर कोई टाइटल रखना है अपना, मैं कोई नाम रखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं जस्ट टाइटल में जाऊँगा तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। ये देखें ये एरो आ गया, आप जहाँ चाहें इसे लेके जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, एनी थिंग लिख कर मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूँ रेड, और इसको मैं इटैलिक बोल्ड और अंडरलाइन कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको देखें यहाँ से पकड़ा, मैंने छोटा कर दिया लफ्ज़ को। अब मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ जो है मेरा वो रोटेशन हो, रोटेट हो और वो कुछ तिरछा आए। तो ये देखें माउस को जब मैं इसका ऊपर ये ग्रीन सा नज़र आ रहा है इस पर लेकर गया, तो ये देखें गोल सा निशान एरो का आ गया। तो मैं इसे पकड़ क्लिक करके तो मैं ये देखें इसे मूव कर लूँगा जहाँ को चाहूँ। तो मैं इसे यहाँ से इसे टेढ़ा रख कर इसे यहाँ से नीचे ले आऊँगा जहाँ पर मुझे चाहिए वहाँ पर ला के, तो मैं एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर दूँगा तो ये चला जाएगा। उसके बाद बाज़ुकात और भी मतलब के चीज़ें होती हैं, मैं ये चाहूँ कि मैं ये कितनी देर के लिए रखूँ, तो इसका ये देखें नीचे ये चल रहा है कि ये इतनी देर, ये देखें अब जितनी देर ये नीचे टाइटल है उतनी देर तक ये चलेगा, उसके बाद ये आपका रिमूव हो जाएगा। ये देखें ऑटोमेटिकली चला गया। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप उसे ज़्यादा देर के लिए रखें तो यहाँ से ये देखें आप माउस इसके पास लेकर जाएंगे तो ये देखें आपके माउस का जो है वो जो कर्सर है वो चेंज हो गया। आप इसे यहाँ से ट्रैक करें और उठा के अपनी वीडियो के मुताबिक यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें, छोड़ दें। तो देखिए जब तक आपकी वीडियो चलेगी ये तब तक वहाँ तक चलेगा जहाँ तक आपकी वीडियो है, देखें तो ये वहाँ तक चलेगा। और ये जो निशान आ रहे हैं ये निशान नहीं आएंगे, ये वैसे ही आ रहे हैं, तो ये निशान हमारी वीडियो में नहीं आएंगे। और उसके बाद देखिए अगर मैं इसे चाहूँ कि रिमूव करना चाहूँ कि मैं किस तरह रिमूव करूँ, तो इसके दो तरीके हैं। आप यहाँ पर इस पर जो लफज है उस पर जाएं, यहाँ पर अपना जो है राइट क्लिक करें तो ये देखें दो आ जाएंगे। ये देखें एडिट, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं मतलब इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से कर लें। और इसका दूसरा तरीका ये देखें जहाँ पर आपने इसे मतलब कि उठाकर छोटा बड़ा यहाँ से किया था, आप वहीं पर जाकर इसका अपना राइट क्लिक करें माउस का और ये देखें रिमूव फ्रॉम टाइमलाइन, इस पर क्लिक कर दें तो इस पर ये देखें चला गया। अब ये शुरू पर आ गया है, मतलब आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ इसको, इसको अगर आप इस टाइटल को, अगर इसमें भी टाइटल है जो हमारा, ये देखें ये टाइटल है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं या इसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे, देखें ऐड पर आ गया। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में इसके और भी टूल्स हैं, ये देखें नीचे आपको इनके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।